तो भाई फाइनली यार हमारे गेम के अंदर आ चुका है M1040 का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गन स्किन। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद बढ़िया होंगे और आपका गेम प्ले भी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस वापस से मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। और गैस जो बंदे यहाँ पे M1040 के लवर है, जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो। और गैस चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो तो गैस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गैस आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ M1040 का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गन स्किन। इस गन स्किन के अंदर आप लोग को डबल रेट ऑफ फायर अप देखने के लिए मिल जाता है, ऊपर से यहाँ पे आप लोग को रिलोड स्पीड भी सिंगल अप देखने के लिए मिल जाएगा। तो गैस देखो यार, वैसे तो ये वाला गन स्किन मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पे कमाल का गन स्किन लगा। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो लुक वाइज काफी ज्यादा यहाँ पे ओपी गन स्किन है, लेकिन गैस एट्रीब्यूट्स इस गन स्किन का सबसे ज्यादा मेरे को अच्छा लगा, डबल रेट ऑफ फायर, ऊपर से यहाँ पे रिलोड स्पीड भी सिंगल अप दिया गया है, यहाँ पे मूवमेंट स्पीड को सिंगल माइनस कर दिया गया। तो गैस उस चीज से मैं बताऊंगा कि गेम के अंदर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन गैस सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इस गन स्किन का परफॉर्मेंस। डबल रेट ऑफ फायर होने के कारण अगर आप लोग M10 बहुत अच्छा चला लेते हो तो गैस इस गन स्किन से आप लोग टपाटप हेडशॉट मार सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे सामने मेरे एक बंदा आएगा और गैस यहाँ पे देख सकते हो, और भाई ही थोड़ा सा ही ट्रैक किया मैंने, काफी ज्यादा उसको अच्छा से एकदम हेड लगा, लेकिन गैस यहाँ पे एक और बंदा चला आता है। तो गैस सबसे पहले हम लोग इसको रिवाइव कर देंगे, और गैस यहाँ पे सामने एक बंदा है तो गैस इसके ऊपर मैं जंप करके मारूंगा, और भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो तीन स्प्रे बंदा सामने वाला खत्म। तीन स्प्रे मतलब इसका होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, डबल रेट ऑफ फायर होने के कारण आप लोग बहुत जल्दी जल्दी इसका बुलेट स्प्रे कर सकते हो। सामने वाले बंदे के ऊपर आप लोग M10 का सारा गोली बहुत जल्दी उतार सकते हो। तो गैस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि गैस यहाँ पे तुम लोग को M1040 का ये न्यू गन स्किन कैसा लगा, जो कि यार अभी तक हमारे गेम के अंदर नहीं आया लेकिन गैस कभी भी आ सकता है। और गैस अगर मैं इस गन स्किन को कंपेयर करता हूँ इंक्यूबेटर के स्टॉक के गन स्किन के साथ, यानी गैस M10 के इस रेड वाले गन स्किन के साथ, तो गैस तुम लोग अगर चाहते हो अगर मैं इस गन स्किन को कंपेयर करूँ M10 के रेड वाले गन स्किन के साथ, इंक्यूबेटर का सबसे टॉप के गन स्किन के साथ, तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं इसका कंपैरिजन बहुत जल्द लेके आऊंगा। और गैस अगर मैं बात करता हूँ कि M1040 का ये वाला गन स्किन कब तक हमारे सर्वर के अंदर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, तो गैस देखो ये वाला गन स्किन कभी भी हमारे गेम के अंदर आ सकता है। हो सकता है कि आज चला है, कल चला है, मतलब क्या कोई कन्फर्म डेट तो नहीं है, लेकिन गैस गरीना वाले कभी भी इस गन स्किन को हमारे सर्वर के अंदर दे सकते हैं। और गैस अगर मैं बात करता हूँ इस गन स्किन के अंदर मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस होने का, तो गैस अगर आप लोग इस गन स्किन को हाथ में लेके दौड़ोगे तो गैस आप लोग का मूवमेंट स्पीड यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन गैस कोई बात नहीं, हम लोग इस गन स्किन के मूवमेंट स्पीड को कंपेयर करेंगे नॉर्मल M1040 के साथ, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पे मूवमेंट स्पीड में कितना ज्यादा आप लोग को डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो गैस चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओ कि गैस यहाँ पे M1040 का ये अपकमिंग न्यू गन स्किन आप लोग को कैसा लगा, इसका एट्रीब्यूट तुम लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और गैस अगर तुम लोग लिए वाला गन स्किन मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो भाई इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, तो गैस हो सके तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो मेरे चैनल को भी। तो गैस चलो मैं मिलता हूँ आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए वीडियो के साथ, तो गैस अभी के लिए बाय।